अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज समरा सद एंड यू आर वाचिंग द आर्टिस्टिक समरा सद चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है भाई बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्रिएट करके दिखाऊंगी काशीज इंस्पायर्ड मेकअप लुक। तो ये सॉफ्ट सा अरेबिक मेकअप लुक है जो काशीज इंस्पायर्ड है। बहुत से सैलॉन्स के अपने अपने स्टाइल्स होते हैं, एक सिग्नेचर लुक होता है, तो मैं यहाँ पर आई मेकअप लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी आपको काशीज इंस्पायर्ड। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी वीडियो को ज़रूर करें और यूट्यूब चैनल को मेरी सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस की हर अपडेट आसानी से मिल सके। तो चले चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का 24 के गोल्ड एंड रोजेस सीरम, क्योंकि ये बेस्ट सीरम है मेरे लिए। जिन लड़कियों की भी ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, उनकी स्किन के लिए ये सीरम बेस्ट है। और 24 के गोल्ड सीरम में ना सिर्फ आपकी स्किन पर अगर रिंकल्स की प्रॉब्लम है या आपकी स्किन डल स्किन है तो ये भी इस चीज़ से ये फाइट करता है ये सीरम, और प्लस आपके फेस पर एक ग्लोई इफेक्ट भी देता है। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का पोर फिट प्राइमर। ये बेस्ट प्राइमर है और हर तरीक़ा की स्किन के लिए, चाहे आपकी स्किन है ऑयली, चाहे आपकी स्किन है डल, ड्राई या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, ऑल टाइप के लिए सूटेबल है। समर्स हो या विंटर्स हो, ये बहुत अच्छे तरीक़े से लार्ज पोर्स पर काम करता है, उन्हें अच्छे तरीके से हाइड कर देता है, बेस्ट है। फाउंडेशन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेरा ऑल टाइम फेवरेट फाउंडेशन, मिस रोज़ का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। फुल कवरेज फाउंडेशन है ये, प्लस आप 6 to 8 hours इसको आराम से अप्लाई करके किसी भी इवेंट को अटेंड कर सकते हैं, तो ये बेस्ट है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल। ये डार्क ब्राउन इसका शेड है और प्लस जिन लड़कियों के थिक आईब्रोज़ है, आजकल बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ ट्रेंड है ये एक तरीके का कि थिक आईब्रोज फैशन में इन है, तो जिन लड़कियों की आईब्रोज वगैरह थिक है जिस कलर फिलअप करने के लिए ये हुदा ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल बेस्ट है। यहाँ पर टिलामी के कॉन्ट्रोल पैलेट में से एक कंसीलर शेड मिल गया था मुझे, तो मैंने वो अप्लाई किया है, अभी मैंने ब्लेंड नहीं किया है। अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ कॉन्ट्रोल क्रीमी पैलेट में से एक कॉन्ट्रोल शेड, क्रीमी शेड है बहुत ही खूबसूरत सा, तो वो मैं यहाँ पर जस्ट अभी अप्लाई कर रही हूँ, ब्लेंडिंग नहीं की है। देन मैं यहाँ पर ब्लश ऑन के लिए यूज़ करी हूँ, ये एक बेबी पिंकिश सा शेड है, ब्लश ऑन शेड है, बहुत ही खूबसूरत है, तो इसीलिए मैंने इसको अप्लाई किया है। अब नाउ मैं इन सबको ब्लेंड कर रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, खूबसूरती से ये ब्लेंड हो जाएगा। उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। काशीज इंस्पायर्ड मेकअप लुक है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मैं अपने आईज़ पर सबसे पहले एक वाइट क्रीमी सा के कलर अप्लाई करूँगी। आप लोगों के पास अगर ये वाइट क्रीमी कलर क्रीमी फॉर्म में नहीं मौजूद है तो आप इससे, आपका कोई भी वाइट आई शेडो होगा आप उससे भी इसको लगा सकते हैं। याद रहे कि वाइट होना चाहिए, कोई भी बेज फॉर्म में ये टोन में उस तरीके के ना हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ विंटेज क्वीन आई शेडो पैलेट, ये इनका एक बहुत ही खूबसूरत सा पर्ली ग्लोई सा शेड है, ये इसको मैं यूज़ करूँगी। ब्रॉ बोन पर ये आई शेडो कलर मैं अप्लाई करूँगी ताकि ये मेरी ब्रॉ बोन को हाईलाइट कर सके अच्छे तरीके से, क्योंकि काशीज इंस्पायर्ड मेकअप लुक है और काशीज हमेशा ब्रॉ बोन को हाईलाइट करते हैं थ्रू पर्ल और ग्लोई कलर्स से, तो इसीलिए मैं इसको हाईलाइट करूँगी अच्छे से। देन फिर मैं यहाँ पर यही सेम शेड जो कि मेरे पास पर्ल शेड था इसको मैं अप्लाई करूँगी इनर आई कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी। क्यों अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि काशीज इंस्पायर्ड मेकअप लुक है इसीलिए मैं अपने इनर आई कॉर्नर पर भी वही सेम शेड लगा रही हूँ जो मैंने ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया था। इनर आई कॉर्नर पर और ब्रो बोन पर पर्ल ग्रे कलर अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट मैं काशीज की आई शेडो पैलेट में से ये एक शेड है ब्राउनी, वुडन ब्राउनी काइंड ऑफ शेड है, ये नियरेस्ट टू ब्लैक है इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं हो जाएँ। तो ये मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शेड ये वुडन ब्राउन, और इसको मैं लगाऊंगी अपने इनर आई कॉर्नर पर और आउटर आई कॉर्नर पर एंड देन मैं अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने मॉडल की पिक्चर देखी थी जो काशीज इंस्पायर सैलून के अरेबिक मेकअप लुक में जो मॉडल की पिक्चर थी उसमें भी उन्होंने इसी तरीके का एक शेड दिया हुआ था, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ इनर आई कॉर्नर से लेकर आउटर आई कॉर्नर तक आइज के, उसको फिर आप लोगों को अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। याद रहे कि ब्लेंडिंग हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आई मेकअप लुक बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन होगा, तो इसीलिए ब्लेंडिंग को अच्छा रखें। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि उसी शेड को लेना है और लोअर लैश लाइन पर भी लगाना है ताकि वो अच्छे तरीके से आपकी आइज़ पर इफ़ेक्ट आ सके। अब आप लोगों ने क्या करना है कि वही सेम शेड जो आपने ब्रॉ बोन पर और इनर आई कॉर्नर पर अप्लाई किया था उसी शेड को आप लेंगे, मैं शेड नंबर लिख दूंगी, और अपनी आईलिड पर अप्लाई कर देंगे। सिंपल वही आपने करना है, उसी शेड को लेना है, मैं शेड नंबर लिख दूंगी, तो उसे आपको अच्छे तरीके से अप्लाई करना है अपने आईलिड पर।
नेक्स्ट मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी काजल, और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने इनर आई कॉर्नर पर, यानी कि मैं अपनी बॉर्डर लाइन पर इसे अप्लाई करूँगी। और उसके बाद फिर मैं इसको साइड से अपने आउटर आई कॉर्नर से हल्का सा लोअर लैश लाइन की तरफ लेकर जाऊंगी। मैंने वाटर लाइन पर अपने लगा लिया है सही से पूरे काजल, मगर मैं आउटर आई कॉर्नर पर इसे लेकर जाऊंगी, हल्का सा ब्लेंडिंग करूंगी और ब्लेंडिंग करके इसे लोअर लैश लाइन की तरफ थोड़ा सा लेकर जाऊंगी, एंड दैट्स इट। तो मैं यहाँ पर अब यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर। आप कोई सा भी आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वन ऑफ माई फेवरेट हुदा ब्यूटी जेल आईलाइनर, और इसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी और क्रिएट करूँगी खूबसूरत सा काशीज़ इंस्पायर्ड अरेबिक आईलाइनर लुक। अरेबिक आईलाइनर लुक इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और क्योंकि ये सॉफ्ट अरेबिक आईलाइनर लुक है इसलिए मैं इनर आई कॉर्नर पर बहुत ज़्यादा शार्प एक लाइन क्रिएट नहीं करूँगी आईलाइनर की, बहुत ही सॉफ्ट सी एक लाइन क्रिएट करूँगी ताकि वो अच्छी भी लगे और बहुत ही ज़्यादा ओवर ना लगे, सॉफ्ट में ही मेनटेन रहे। मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रही हूँ एटीट्यूड का लूज़ पाउडर। ये बेस्ट लूज़ पाउडर है, आपके फेस को अच्छे से सेट कर देगा, बहुत ही ज़्यादा मैटिफाइंग लुक क्रिएट नहीं करता है पर अच्छे तरीके से फेस को स्मूथ कर देता है, तो ये बेस्ट है। एटीट्यूड का लूज़ पाउडर अप्लाई करने के बाद अब हम यहाँ पर चलते हैं वो चीज़ जिसके बिना हमारा मेकअप इनकम्प्लीट है, वो है हाइलाइटर। हाइलाइटर मैं यहाँ पर सेवन कुलगर का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो गोल्डन शेड में आप वो यूज़ कर दें, ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन पर एक ग्लोई सा इफ़ेक्ट देता है। हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद अब मैं यहाँ पर आईलैशेज़ अप्लाई कर रही हूँ। हुदा ब्यूटी की 5D आईलैशेज़ हैं ये। देन मैं मेबलिन का लिप ग्लॉस अप्लाई करूँगी, ये एक न्यूडिश शेड का लिप ग्लॉस है, तो मैं इसमें कोई भी डिफरेंट और लिप ग्लॉस या लिपस्टिक ऐड नहीं करूँगी, यही मैं जस्ट अप्लाई करूँगी। देन सेटिंग स्प्रे है किस ब्यूटी का। मेकअप हो गया है जी कंप्लीट। मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो उन्हें लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। काशीज़ का ये सॉफ्ट अरेबिक आई मेकअप लुक क्रिएट हो चुका है, आप लोग भी इसे क्रिएट करें। और प्लस मैं आप लोगों से मिलूंगी अब अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। अपना बहुत 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 ख्याल रखें, एंड थैंक यू सो मच जो लोग मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।